दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में गैंगरेप के तीन दोषियों को अंतिम सांस तक जेल में रहना होगा। जिला न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सप्तम सह पॉक्सो स्पेशल न्यायाधीश संतोष कुमार गुप्ता ने एक छात्रा के साथ गैंगरेप के दोषी तीन आरोपी अरविंद कुमार उर्फ बिट्टू, दहन यादव और बबलू कुमार को आईपीसी की धारा 376 डी के तहत मौत होने तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जब तक जीवित रहेंगे तब तक जेल में ही रहना होगा और प्रत्येक पर 20,000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर प्रत्येक को 6-6 माह की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इसके साथ ही SC/ST अमेंडमेंट एक्ट 2018 की धाराओं के तहत अभियुक्त दहन यादव और बबलू कुमार को 3-3 वर्ष का कठोर कारावास के साथ 10,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अर्थदंड का भुगतान नहीं करने पर दोनों को 3-3 माह का साधारण कारावास भुगतना होगा। न्यायालय ने पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकार अधिनियम के तहत 5,00,000 रुपए मुआवजा की भुगतान का आदेश दिया है। आपको बताते चले कि पूर्व में अंतरिम राहत के रूप में पीड़िता को 1,00,000 रुपए की राशि दी गई थी। अभियोजन की ओर से पॉक्सो स्पेशल PP सुशील कुमार ने 9 गवाहों की गवाही कराते हुए इस जघन्य अपराध को लेकर तीनों आरोपियों के लिए अधिकतम सजा का अनुरोध किया और न्यायालय ने छात्रा के साथ गैंगरेप के तीनों दोषी अभियुक्त को मौत होने तक सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दरअसल आपको बताते चले कि सभी आरोपी सरमेरा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। पीड़िता के द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार 16 जून 2018 की संध्या 7:30 बजे वह अपनी मौसी के घर जा रही थी। तभी एक आरोपी जो पूर्व से उसकी पहचान का था, उसने मौसी के घर पहुंचाने का बहाना बनाते हुए उसे अपनी बाइक पर बैठा लिया और अहियापुर मुसहरे स्थित एक झोपड़ी में ले गया और वहां से उसने मोबाइल से फोन पर अपने दोस्तों को बुला लिया और सभी ने जबरन उसके साथ रेप किया। इस दौरान मोबाइल से पीड़िता की अश्लील फोटो भी खींच ली थी और कोर्ट ने इस मामले में मरने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।